नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाजियाबाद दौरे की। आज सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। आज गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही रोजगार मेले का उद्घाटन और शुभारंभ भी करेंगे। इसके साथ ही युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे, छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में 757 करोड़ की 111 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के बाद पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक भी होगी। तो गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में ये भव्य कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें शिरकत करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज उनका गाजियाबाद में आगमन, साथ ही गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसमें रोजगार मेले का शुभारंभ और उद्घाटन भी होगा, साथ ही युवाओं को, जो चयनित युवा है, उन्हें नियुक्ति पत्र बांटेंगे, साथ ही कुछ छात्र छात्राओं को टैबलेट्स और स्मार्टफोन भी बांटेंगे। यानी रोजगार मेले के साथ युवाओं के लिए आज बड़ी सौगात। इसके साथ ही गाजियाबाद की जनता की अगर बात कर ले, गाजियाबाद की जनता के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पिटारे से 757 करोड़ की 111 परियोजनाएं लेकर आ रहे हैं। इन परियोजनाओं का सीएम योगी आदित्यनाथ लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और कार्यक्रम के बाद पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, उनसे जानकारी भी लेंगे। जो भी पॉलिसीज या जो भी चीजें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य चल रहे हैं उनको लेकर भी अपडेट लेंगे। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने नए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के बाद अब आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। आतिशी ने आज सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद कहा कि दिल्ली के एक ही सीएम है और वो कोई और नहीं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली की सीएम बनने के बाद उनके पास दो काम होंगे, पहला कि दिल्ली के लोगों की बीजेपी के षड्यंत्र से रक्षा करना और दूसरा अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना। मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली की मुख्यमंत्री जो नई बनी है, आधी आबादी का तो रिप्रेजेंटेशन करेंगे। दिल्ली को मुख्यमंत्री आप पार्टी ने नया दिया, मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता की भावनाओं पर वो खरी उतरेगी। जेल से आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह ऐलान किया था कि जब तक दिल्ली की जनता दोबारा अपना समर्थन दे करके नहीं जिताती है तब तक हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उसी ऐलान के तहत आज मुख्यमंत्री जी ने उपराज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंपा है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर आगे सरकार को संचालित करने के लिए सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक मंडल दल की बैठक हुई थी। बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को अपना विधानमंडल दल का नेता चुना गया था। हमने आम आदमी पार्टी के विधानमंडल दल का जो फैसला है पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल जी को सूचित किया है और साथ ही साथ हमारे विधायक दल की नेता आतिशी जी की तरफ से जल्द सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है। हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द शपथ की तारीख सुनिश्चित की जाए, जिससे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए जो काम है उस काम को आगे बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ जो दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया, बिजली का, पानी, स्कूल, अस्पताल, उस पर जो खतरे मंडरा रहे हैं उसको संरक्षित किया जा सके, उससे उसको बचाया जा सके। इन 2 लक्ष्यों को लेकर के सभी पार्टी के विधायक, सभी मंत्री ये शपथ लिए हैं कि जल्द से जल्द नई सरकार के गठन के साथ दिल्ली की जनता के साथ हम अभियान शुरू करेंगे और
जल्द से जल्द दिल्ली में चुनाव करा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार लेना का नाम देकर दिल्ली को अराजकता की तरफ धकेल दिया है, तो उसका कारण है। अफजल गुरु का नाम हम सबने सुना है, ये अफजल गुरु, ये उनके माता पिता, और ये वो पटिशन है जो राष्ट्रपति को भेजी गई थी, जिसमें अफजल गुरु की रिहाई की मांग की गई थी, उनके लिए माफी की मांग की गई थी। इसमें 57 और 58 नंबर पर आतिशी मार लेना के माता पिता के हस्ताक्षर हैं। अब दिल्ली में भ्रष्टाचार के साथ साथ देश विरोधी सरकार भी काम करेगी। दिल्ली के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, और दिल्ली के दुर्भाग्यपूर्ण दिन इसके क्योंकि चेहरा कोई भी हो, दिल्ली के विकास कार्यों में जो पूर्ण विराम आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगा रखा है वो बरकरार रहेगा। ये मैं नहीं कहती, ये माननीय आतिशी मार्लीना जी का जो निराशा पूर्वक बयान आज उन्होंने दिखाया है वो इस बात को परिलक्षित करता है। आतिशी जी को आज मुख्यमंत्री के नाम में उसका प्रस्ताव दिया गया, उनको बधाई देती, लेकिन एक महिला होने के नाते और दिल्ली के एक नागरिक होने के नाते आज मुझे व्यक्तिगत रूप पर और भाजपा की सांसद के रूप में मुझे बहुत निराशा हुई जब उन्होंने मीडिया के बंधुओं के सामने ये बात कन्फेस कर दी कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद चाहे वो ग्रहण कर रही हैं पर वो दायित्व ग्रहण नहीं कर रही। उन्होंने कहा दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और वो है अरविंद केजरीवाल जी, यानी अब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी विल एंजॉय पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री का चेहरा होगा माननीय आतिशी जी, लेकिन पूरा का पूरा पावर सेंटर बनेंगे माननीय अरविंद केजरीवाल जी। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पेटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। वहीं 17 सितंबर को अपने 74वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को याद करते हुए वो भावुक हो गए। पीएम मोदी ने ओडिशा में कहा कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से एक बार फिर मुझे ओडिशा की पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। जब भगवान जगन्नाथ की कृपा होती है, जब भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मिलता है, तो भगवान जगन्नाथ की सेवा के साथ जनता जनार्दन की सेवा का भी भरपूर अवसर मिलता है। एक विकसित राज्य के लिए जरूरी होता है यहां के युवाओं की प्रतिभा, महिलाओं का सामर्थ्य, प्राकृतिक संसाधन, उद्योगों के लिए अवसर, पर्यटन की अपार संभावनाएं, क्या कुछ यहां नहीं है। पिछले 10 वर्ष में केवल केंद्र में रहते हुए ही हमने साबित किया है कि उड़ीसा हमारे लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। 10 वर्ष पहले केंद्र की तरफ से
ओडिशा को जितना पैसा मिलता था आज उससे 3 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। मुझे खुशी है कि अब ओडिशा में वे योजनाएं भी लागू हो रही है जो पहले लागू नहीं थी। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का लाभ अब उड़ीसा के लोगों को भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, अब तो केंद्र सरकार ने 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग के लिए भी 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त कर दिया है। आपकी आय चाहे कितनी ही हो, आपके घर में अगर 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग है, उनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, तो उनके इलाज की चिंता मोदी करेगा। लोकसभा चुनाव के समय मोदी ने आपसे वायदा किया था और मोदी ने अपनी गारंटी पूरी करके दिखाई है। साथियों, गरीबी के खिलाफ भाजपा के अभियान का सबसे बड़ा लाभ उड़ीसा में रहने वाले दलित, वंचित और आदिवासी समाज को मिला है। आदिवासी समाज के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाना है। आदिवासी समाज को जड़ जंगल जमीन के अधिकार देने की बात हो, आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर देना हो, या ओडिशा की आदिवासी महिला को देश की माननीय राष्ट्रपति बनाना हो, ये काम पहली बार हमने किए हैं। पप्पा को विदाई दे रहे हैं तो मैं एक विषय इसी से जुड़ा उठा रहा हूं। गणेश उत्सव हमारे देश के लिए केवल एक आस्था का पर्व ही नहीं है। गणेश उत्सव ने हमारे देश की आजादी में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जब सत्ता की भूख में अंग्रेज देश को बांटने में लगे थे, देश को जातियों के नाम पर लड़वाना, समाज में जहर घोलना, बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों का हथियार बन गया था। तब लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव के सार्वजनिक आयोजनों के जरिए भारत की आत्मा को जगाया था। ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, इन सबसे ऊपर उठकर हमारा धर्म हमें जोड़ना सिखाता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में विकास की रफ्तार बंद हो गई थी, लोग पलायन कर रहे थे, असुरक्षा का माहौल था, बिजली नहीं थी, प्रदूषण नियंत्रण की तलवार थी, बाजार नहीं था, एनओसी मिलने में सालों लग जाते थे, दंगे होते थे। 2017 के बाद हमारी सरकार आई तो हमने परंपरागत उद्योगों को विकसित करने की योजना बनाई, हर जिले के विशिष्ट उत्पाद की चर्चा होती थी। अगर मेरठ की रेवड़ी थी तो हापुड़ का पापड़, लखनऊ की चाट, वाराणसी की दही जलेबी की चर्चा होने लगी। जिन कारीगरों का आज यहां पे सम्मान हुआ है, उन्हें टूल किट उपलब्ध हुआ है, जिन्हें ऋण उपलब्ध हो रहा है, इन सब को भी हृदय से बधाई देते हुए
इस पावन दिवस पर आपके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। ये मेरे लिए खासतौर पर बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जिन योजनाओं को 2018 में 2019 में प्रारंभ किया, वे योजनाएं आज देश के अंदर एक लोकप्रिय योजना न केवल बनी है बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार और उत्तर प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की हमारी परंपरागत उत्पाद पूरी तरह लगभग बंद सी हो गई थी, कोई प्रोत्साहन नहीं था, कोई पोषता नहीं था, ये बंदी के कगार पर था, लोग पलायन कर रहे थे। उनके सामने विकट संकट था और जब स्वयं कारीगर और हस्तशिल्पी ही संकट में हो तो रोजगार का सृजन होगा कहां से। हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, बिजली नहीं मिलती थी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अलग से तलवार लटकती थी, एनओसी मिलने में वर्षों वर्षों लग जाते थे, बाजार नहीं था। उन स्थितियों में उनके सामने पलायन के सिवाय को दूसरा चारा नहीं था। लेकिन जब मार्च 17 में हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने तय किया कि नहीं, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करना है और इसके लिए हम लोगों ने उस समय एक कमेटी गठित की कि भाई देखो परंपरागत उद्यम क्या क्या है। हम लोग बचपन में सुनते थे अलग अलग जनपद की अलग अलग उत्पाद के बारे में, दोनों प्रकार के थे, मुरादाबाद का ब्रॉस का पीतल का कार्य, अलीगढ़ की हार्डवेयर के ताले, अलीगढ़ के तालों के बारे में चर्चा होती थी, सहारनपुर के फर्नीचर की चर्चा होती थी, भदोही के कारपेट की चर्चा होती थी, लखनऊ की जरी दरदोजी की चर्चा होती थी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात को रखा। इस दौरान अमित शाह से वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल पूछा गया। अमित शाह ने कहा कि इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाया जाएगा। साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करेगी। यानी तीसरी बार जो प्रधानमंत्री काल का कार्य है उसके 100 दिन के कार्य को भी हम जनता के सामने रखेंगे। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि 100 दिन के अंदर ही 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने की मंजूरी और उस मकान बनाने का कार्य वो प्रारंभ हो गया है। उसी तरीके से 17th प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यह भी रिलीज कर दी गई है और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा किसान के खातों में जा चुका है। और उसी तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसकी भी मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है, MSP में इजाफा किया है। उसी तरीके से 15 वंदे भारत ट्रेन, यह भी इनको भी चला दिया गया है। और उसी तरीके से हमारे 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर, इसको मंजूरी दे दी गई है। 8 नए रेलवे लाइन, ब्रॉडगेज लाइन, फास्ट मूविंग लाइन, इसको भी मंजूरी दे दी गई है। राज, मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र बन चुका है और ये वास्तविकता है। हमारी डिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश
समझना भी चाहते हैं, स्वीकारना भी चाहते हैं और उसको अपने विकास का आधार भी बनाना चाहते हैं। इकोनॉमी के 13 के 13 पैरामीटर्स में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे मुद्रास्फीति हो, चाहे विकास दर हो, हर पैरामीटर में हमने डिसिप्लिन लाई है और प्रगति भी की है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज सभी लोग भारत को, भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में भविष्य उज्जवल है, इसको एक्नोलेज करते। 10 वर्ष में आजादी के बाद पहली बार दुनिया ने रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति को देखने का मौका मिला है। भारत की विदेश नीति में मेरे जैसे कई लोगों को रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं पड़ती थी, अब भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी दिखाई पड़ती है। 10 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों को एक ही 10 साल में घर, शौचालय, गैस, पीने का पानी, बिजली, 5 किलो मूत अनाज और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम लोग यह भी सोच रहे हैं कि अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप जैसे जगह में जहां अभी तक कोई फिशिंग के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, उसको हम लोग कैसे डेवलप कर सके, तो ये डेवलपमेंट का काम हम लोग उस सेक्टर में कर रहे हैं। तो ये हमने आपको बताया फिशिंग सेक्टर के बारे में। अब हम आपको बताना चाहते हैं पशुपालन के क्षेत्र में। देखिए, पशुपालन जो है, पशुधन का जो पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पशुधन का है उसका बहुत बड़ा योगदान है। पूरे हम आज मिल्क प्रोडक्शन में आज हम फिशरीज में हम सेकंड हैं वर्ल्ड में, और मिल्क प्रोडक्शन में हम वर्ल्ड में नंबर 1 पर हैं, पहले स्थान पर हम, और हमारी जो हिस्सेदारी है 25% हिस्सेदारी है पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।